दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार गाडगे शिक्षा लोक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मिजोरम, ये हमारे स्टैटिक जीके सीरीज का एक पार्ट है। इस स्टैटिक जीके सीरीज में हम वो पार्ट कवर करते हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। देखिए, स्टैटिक जीके का मतलब होता है जो पार्ट कभी बदलता नहीं है और अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल के शुरुआती दिनों में हैं, इसलिए आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मिजोरम। देखिए, स्टैटिक जीके सीरीज में हम हर स्टेट के जो भी वीडियो बनाएंगे उन सब में ये पॉइंट्स रहेंगे। और एक बात देखिए दोस्तों, कि हमने जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए हैं उन सब में ये जो अदर्स वाला पार्ट है, इस पार्ट में हम ये यूनेस्को साइट्स, रामसर वेटलैंड, फिर डांस फेस्टिवल, देखिए दोस्तों ये सब पार्ट है। उस राज्य में अगर यूनेस्को साइट होगी तो वहाँ पे हम यूनेस्को साइट कवर करेंगे, अगर नहीं होगी तो आपको वहाँ पे यूनेस्को साइट नहीं दिखेगी। फिर ये रामसर का भी वही बात है इस मैप में। और एक बात जो इंटरेस्टिंग है हमारे वीडियोस के बारे में, कि हम मैप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर आप हमारे स्टैटिक जीके सीरीज को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको भारत का पूरा नक्शा याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार दोहराएंगे, यानी कि आपने अगर हमारे वीडियो 29 बार देखे, 29 राज्य की वीडियो देखे, तो आपको वो याद हो जाएगा। किसी भी चीज को दोहराइए ताकि आपको बहुत जल्दी याद रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिजोरम। इस मैप में आपको मिजोरम का लोकेशन एक बार देख लेना है, फिर आगे मैं आपको डिटेल से इसका लोकेशन दिखाऊंगा। देखिए, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसको कनेक्टेड है ये इससे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पे ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिख रहा है आपको। ये कुल 22 किलोमीटर का लैंड स्ट्रिप है। यहां से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन कनेक्टेड है। तो यहां पे आपको ये लोकेशन देख लेना है मिजोरम का, जिसका कैपिटल ऐजवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उन, जैसा कि सिक्किम का वीडियो हो गया, फिर मणिपुर का हो गया, फिर नागालैंड का हो गया, फिर असम का हो गया, इन सब वीडियो को अगर आप ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने इन सब में ये नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल का पार्ट डाला ही है और उसको बहुत डिटेल से समझाया है कि क्या होता है जोनल काउंसिल, क्या होता है इंटर स्टेट काउंसिल, फिर किसे स्टैचुटरी बॉडी कहते हैं, किसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, ये आपको उन सब वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। और अभी के लिए आप, ये नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में पड़ता है ये आज का हमारा टॉपिक मिजोरम, इसको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लोकेशन देख लेते हैं मिजोरम का। देखिए, मिजोरम को 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बाउंड्रीज लग के है। एक है त्रिपुरा, फिर है असम। देखिए, असम पे भी बहुत ही बढ़िया वीडियो मैंने बनाए हैं, आपको वो वीडियो देखना ही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो रीजन है उसको अगर अच्छे तरीके से समझना है तो आपको असम को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आपको सारे स्टेट्स के बारे में देखना है। फिर ये मणिपुर, और जो 2 देशों की बाउंड्रीज लग के है मिजोरम को, वो है एक बांग्लादेश और एक बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहते हैं। इस छोटे वाले मैप में आपको ये लोकेशन, इसका लोकेशन मैंने पहले ही आपको दिखाया था मिजोरम का। देखिए, मिजोरम का जो वर्ड का ओरिजिन है वो कैसे हुआ है ये यहाँ पे मैंने दिया है। देखिए, मी का मतलब होता है पीपल, लोग। जो का मतलब होता है लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसे बुलंद कहते हैं, बुलंद, एलिवेटेड, वेरी हाई, बुलंद प्लेस, बुलंद जगह। फिर राम का मतलब क्या होता है,
लैंड, यानी के लैंड ऑफ हिल पीपल, पहाड़ों पे रहने वालों लोगों की जगह। और एक बात, ये जो मिजोरम है इसकी कैपिटल है ऐजवाल, ये भी आपको भूलना नहीं है। और ये मैंने पूरा थ्योरी में दिया है, या अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है एक बार, बांग्लादेश और म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रिवर्स का, देखिए दोस्तों ये सारे रिवर्स ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट रिवर है वही हम आज कवर करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपको ये तलवांग, धलेश्वरी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं लोकल डायलेक्ट की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ, अगर आज बोलते हुए मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब, ये जैसे तलवांग है, इनका लोकल मीनिंग कुछ, प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये सब नाम आपको एक बार पढ़ लेने हैं, तुई चांग, तुईरल रिवर, ये सब रिवर्स के नाम हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये जो तुई का मतलब क्या होता है मिजो लैंग्वेज में, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मिजो, उसमें तुई का मतलब होता है वाटर। देखिए अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे कि मिजो लैंग्वेज में तुई को किसे क्या कहते हैं, तो आपको ये आसानी जाएगी, क्योंकि अगर एमसीक्यू में ऐसे पूछ लेते हैं कि तुई पुई रिवर कहाँ की है, तो अगर आपको ये बात पता है कि ये तुई का मतलब मिजो लैंग्वेज में वाटर होता है, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज, आज देखेंगे हम चुमतुई पुई रिवर को, जिसे अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है, इसे कोलो दायनी भी कहते हैं, कलादान। देखिए इस पे बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और उसे भी हम आगे देखेंगे, कलादान रिवर प्रोजेक्ट को। फिर इसे, ये अलग अलग नाम है इसके, चिमतुईपुई रिवर के, कोलोदायनी, कलादान, बाइनो, तुईपुई, इसे चिमतुईपुई लुई भी कहते हैं, कलादान रिवर। और ये कहाँ कहाँ पे है, ये ईस्टर्न मिजोरम, मिजोरम के पूरब में, यानी के, और ये चीन स्टेट और राखाइन स्टेट। देखिए ये राखाइन स्टेट जो है ये म्यांमार में पड़ता है, और आपको ये दो नाम याद रखने हैं। सोर्स कहाँ पे है इसका, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है, वेस्ट फ्लैंक ऑफ माउंट जिंगमू, और ये कहाँ पे है, ये है म्यांमार में, चीन स्टेट में। और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज है, ये भी आपको एक बार देख लेनी है, लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज। चलिए आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, हम जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं वो है माउंटेन का हाईएस्ट पीक कौन सा होता है स्टेट में, ये है तवांग पुई। फिर इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, और ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है मिजोरम का, जो कि लुशाई हिल्स में पड़ता है। फिर देख लेते हैं, ये लेक को देख लेते हैं, इसे पाला टीपो भी कहते हैं, पाला, पालक दिल, पाला टीपो लेक। और इसे मारा लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्वेलोइंग लेक, झील, स्वेलोइंग लेक का मतलब होता है झील, निगलने वाली, स्वेलोइंग का मतलब निगलने वाली झील। फिर ये लार्जेस्ट लेक है साउदर्न मिजोरम का। और एक बात आपको ये यूनिकनेस पता होनी चाहिए हर राज्य की। देखिए दोस्तों, हम बहुत प्रयास करते हैं कि हर राज्य की, जितने भी राज्य हम कवर करने वाले हैं उनमें उनका जो यूनिकनेस होता है वो आपको बता दें, क्योंकि ये एमसीक्यू का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो। तो ऐसे में क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा
यूनिक क्वेश्चन पूछते हैं और ये आपको पता होने चाहिए, बहुत कम जनों को ये पता होती है। जैसे कि अगर आप हमारा आने वाला वीडियो मेघालय का वीडियो देखेंगे, उसमें एक मौकिरनाक करके जगह है, वहाँ पे जिंदा जड़ों का एक ब्रिज है, यानी कि लार्जेस्ट लिविंग रूट ट्री ब्रिज। तो ये भी एक बार एमसीक्यू में पूछ लिया था, तो वो कहाँ पे था, वो है मेघालय में, वो हम मेघालय के पार्ट में कवर करेंगे। तो ये यूनिकनेस आपको उस राज्य की पता होनी चाहिए। तो अभी हम मिजोरम की बात कर रहे हैं, तो मिजोरम में ये मौतम, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिजो लैंग्वेज में इसे बाम्बू डेथ भी कहा जाता है और ये 48 ईयर्स में एक बार होता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये होता है मिजोरम में, मणिपुर में और कुछ पार्ट इसका बर्मा में भी होता है, यानी कि म्यांमार में भी होता है, चीन स्टेट में। और इसमें एक का क्या खास बात है कि यहाँ पे जो ये जब ये बाम्बू डेथ होती है, मौतम ये जब आता है, ये साइक्लिक फिनोमेनन आता है, तब क्या होता है, यहाँ पे रैट का पॉपुलेशन बहुत ही, रैट मतलब चूहे, चूहों का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है कि यहाँ पे फेमाइन पड़ जाता है, बहुत चूहों के कारण चूहे जो है वो बहुत डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सारे जो फसल होती है उन सबको नष्ट कर देते हैं। और एक बात, यहाँ की जो एक बाम्बू स्पेसीज है, ये मेलोकाना बैसीफेरा, ये यहाँ पे जब ये बाम्बू डेथ होता है तब यहाँ पे इसको सभी जगह पे फ्लावर आ जाते हैं एक ही बार में पूरे एरिया में। और ये ब्लैक रैट, ये भी आपको भूलना नहीं है कि ये मौतम जो है ये होता है मिजोरम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि ये चूहे है बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और इसके कारण यहाँ पे अकाल पड़ जाता है। ये बच्चे दिख रहे हैं आपको चूहों के साथ। फिर ये जो आपको दिख रहा है, ये है चूहों की पूछ, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा काटी गई है। तो या ये जो मौतम है इसमें चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए आगे देखें, ये कलादान प्रोजेक्ट के बारे में हम अभी देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत से निकल के भारत में जो वेस्ट बंगाल में ये हावड़ा बंदर है जो कि कोलकाता के पास पड़ता है, यहाँ से ये सी रूट है, ये सी रूट, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और ये सी रूट जाता है सीधा सितवे पोर्ट तक। ये सितवे पोर्ट कहाँ पे, ये है म्यांमार का एक पोर्ट है। और यहाँ से जो ये कलादान नदी है, देखिए मैंने कलादान के बहुत सारे नाम आपको बताए थे, उसे भी आपको याद रखना है कि कलादान को क्या क्या कहते हैं। तो ये फिर सितवे पोर्ट से पलेटवा पोर्ट तक ये नदी से होकर जाता है, फिर ये नदी से रोड के रास्ते ये भारत में एंटर कर जाता है मिजोरम में, फिर मिजोरम से ये आगे भी जाता है जो असम में जाता है, जहाँ पे नेशनल हाईवे 54 है। देखिए इस सारे थ्योरी अभी जो मैंने आपको बताया, ये सब थ्योरी में यहाँ पे दिया है डिटेल से, ये आपको एक बार पढ़ लेना है तो आपको ये याद रखना है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, अगर आपका डिमांड रहेगा, आप अगर मुझे बोलेंगे कि इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर स्टेट पे हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज बनाओ, तो हम बनाएंगे, आपके मुझे कमेंट दिखने चाहिए। तो अभी के लिए हम मिजोरम के बारे में कुछ छोटी सी टाइमलाइन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूरी टाइमलाइन दी है, ये आपको एक बार पढ़ लेनी है। देखिए ये जो मिजोरम है, ये पहले असम का एक पार्ट था। देखिए अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट को समझना है तो आपको असम को देखना है, समझना ही है, क्योंकि असम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले असम ही था, उससे उसके बाद फिर असम को बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। देखिए 1970 के बाद
वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे उनमें जो एस्पायरेशन उनकी जो एस्पायरेशंस थी कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, वो बढ़ती जा रही थी। इसीलिए सबसे पहले 1963 में नागा हिल्स को सेपरेट कर दिया गया था, जो कि 16वां राज्य बन गया था इंडिया का, और जिसे नागालैंड कहते हैं। देखिए, इसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। फिर 1963 के बाद ये खासी हिल, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स, जो कि मेघालय में पड़ता है, यहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन की डिमांड उठ रही थी। फिर 1972 में मेघालय को सेपरेट कर दिया गया। फिर 1972 में ही क्या हुआ, उसी साल, कि अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, इसे और मिजोरम को सेपरेट कर दिया गया असम से, और इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को, 1972 में। फिर 1986 में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन दोनों को पूरे स्टेट का दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों, आप अगर मेरे लेक्चर को बैठ रहे हैं तो आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताते जाऊंगा और उसे आपको नोट कर लेनी है। तो अगर आपने कुछ सुना नहीं होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिए, और यहाँ पे जो टाइमलाइन दी है ये आपको एक बार पढ़ लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए, पॉलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करते हैं, एक आर्टिकल, फिर ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन, अमेंडमेंट्स, फिर ये लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट। देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स देखते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2, 275 सब क्लॉज 1, ये सिक्स शेड्यूल में आता है। देखिए, सिक्स और फिफ्थ शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है। देखिए, फिफ्थ शेड्यूल में क्या बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया है। और जो छठवां शेड्यूल है, ये सिक्स शेड्यूल, इसमें क्या बताया है कि ट्राइबल एरिया जो है कहाँ का, असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का और मिजोरम का, इन सब का जो ट्राइबल एरिया है उनके लिए ये प्रोविजन बनाता है, ताकि इसे एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर किया जाए। फिर और एक आर्टिकल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मिजोरम के बारे में, ये 371G। देखिए, हम ये आर्टिकल क्यों डील करते हैं, क्यों हम हर बार बताते हैं, क्योंकि अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं कि एक साइड में आर्टिकल रहते हैं और एक साइड में स्टेट्स रहते हैं, फिर आपको सही तरीके से उसे मैच करना है। और ये 371 आर्टिकल तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट है, 371A, 371A, B, फिर अलग अलग पार्ट है इसके, और ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसमें अभी हम देख रहे हैं कि 371G ये स्पेशल प्रोविजन देता है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम को। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लेते हैं, यानी कि संशोधन, 51वां संशोधन, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा फॉर ST। देखिए, ये भी MCQ पॉइंट है कि अमेंडमेंट पूछ लेते हैं कि 51वां संशोधन किसके बारे में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो राज्य है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे इन सबको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, भारत का जो निचला सदन है जिसे लोकसभा भी कहते हैं। और एक बात ये प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जो लोकल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान सभा है, वहाँ पे ये मेघालय और नागालैंड में, इसे भी आपको याद रखना है। और ये 53rd अमेंडमेंट, जो कि 1986 में हुआ था, ये देता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम को, और यहाँ की जो असेंबली है, विधानसभा है, यहाँ पे इनकी जो स्ट्रेंथ है
उनको भी फिक्स करता है 40 मेंबर्स। देखते हैं लेजिस्लेचर, देख लेते हैं कौन सा मंडल है, कौन सा भवन है। यहाँ पे लेजिस्लेचर का मतलब कौन सा मंडल है, यहाँ पे यूनिकैमरल है और उसमें 40 मेंबर्स है। हाई कोर्ट किस हाई कोर्ट अधिक हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। और देखिए ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में आपको एक बात जान लेनी है कि ये गुवाहाटी हाई कोर्ट इसका जो प्रिंसिपल बेंच है, हेड बेंच है, ये है असम में। और इसके जो सब ब्रांचेस है यानी कि बेंचेस है, ये नागालैंड में है, एक एक नागालैंड में कहाँ पे, कोहिमा में, और दूसरा है ऐजवाल में, मिजोरम में, फिर है ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1987 को हुआ था इसका फॉर्मेशन और इसमें कुल डिस्ट्रिक्ट है 8। इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी यही है ऐजवाल, ऐजवाल है इसका कैपिटल। तो चलिए आगे बढ़ते, ये मैप आपको एक बार देख लेना है। देखिए एनवायरनमेंट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर रामसर साइट रहा तो रामसर साइट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ पे रामसर साइट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे रामसर साइट नहीं कवर किया है। तो मिजोरम में नेशनल पार्क देख लेते हैं, मुरलेन नेशनल पार्क, पवांगपुई नेशनल पार्क। देखिए ये ईयर्स और ये जो एरिया है ये आपको याद नहीं भी रखा तो भी चलता है, आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा डीप में पेपर रहा तो इनके जो कौन से रिवर के पास है ये भी आपको पूछ सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूरे डम्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूरे आपको एक बार पढ़ लेने हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जब आप डील करते हो तो आपको जो करंट में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहती है यानी कि करंट न्यूज़ में अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ हो गया यानी कि जैसे कि सेंगाई ब्रो एंटीलर डियर, ये इस हिरण का जो रैंकिंग होता है एंडेंजर्ड स्पेसीज का, जो ये होता है एंडेंजर्ड स्पेसीज में चला गया ये या फिर थ्रेटन में चला गया, तो उसके बारे में आपको उस पर्टिकुलर करंट ईयर में आपको याद रखना है। तो इन सब की लिस्ट आपको एक बार देख लेनी है और करंट पढ़ते रहना है। चलिए आगे बढ़, देखिए अदर्स में हम जो देखते हैं पार्ट उसमें ट्राइब्स होता है, यूनेस्को साइट्स होता है। यहाँ पे यूनेस्को साइट्स नहीं है तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ट्राइब्स। देखिए ये कुछ ट्राइब्स, ये सभी ट्राइब्स के आपको नाम देख लेने हैं एक बार। और यहाँ पे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है जैसे कि ये चकमा, दुलियन, राल्टे, पोई, लाखे, मार, कांगली, ये आपको याद रखनी है। और एक बात, यहाँ के जो लोगों के कस्टम्स कॉस्ट्यूम होते हैं, कॉस्ट्यूम पोशाक होते हैं मिजो लोगों के, उन्हें क्या कहा जाता है, पुआन। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए फेस्टिवल्स में अदर्स में जो फेस्टिवल का पार्ट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है चपचारकूट, इसे आपको याद रखना है। ये बसंत में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। देखिए इनके ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इनके आपको नाम याद रखने हैं, जैसे कि लोसार फेस्टिवल, ये कहाँ का फेस्टिवल है, फिर ये चपचारकूट कहाँ का फेस्टिवल है, ये नाम आपको पता होने ही चाहिए। और एक बात, अगर आप ये छोटे छोटे जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको ये छोटे छोटे वर्ड आपको याद है कि ये कूट कूट का मतलब क्या होता है, तो आपको इसे समझने में और क्वेश्चन को करने में आसानी जाएगी। तो ये छोटे छोटे वर्ड आपको याद रखने हैं। कूट का मतलब होता है स्थानीय भाषा में जो जो इसका मतलब क्या होता है, स्थानीय भाषा में सामुदायिक जो त्यौहार होते हैं, कम्युनिटी फेस्टिवल जो होते हैं उनको कूट कहा जाता है, कूट। तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये चपचारकूट फेस्टिवल है, फिर ये पवालकूट फेस्टिवल है, तो ये आपको भूलना नहीं है। मीमकूट, चपचारकूट
और ये दोनों के नाम आपको सिर्फ एक बार देख लेने। चलिए आगे बढ़ते। देखिए स्टेट सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें हम ये वाला जो पार्ट है, ये रेड कलर में मार्क, ये है साइंटिफिक नेम। ये आपने याद नहीं भी रखे तो भी चलता है, अगर बहुत ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं तो आपको सिर्फ यहाँ के स्टेट एनिमल कौन सा है, हिमालयन सेरो, ये है हिमालयन सेरो नीचे। फिर बर्ड कौन सा है, मिस यूम फिजेंट ये। फिर फ्लावर कौन सा है, स्टेट फ्लावर रेड वेंडा ये। और फिर ट्री कौन सा है, स्टेट ट्री इंडियन रोज चेस्टनट, ये है इंडियन रोज चेस्टनट। तो चलिए ये दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि हम YouTube चैनल के शुरुआती दिनों में हैं और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए वहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिए आपका एक राइट क्लिक हमें उन स्टूडेंट तक पहुंचने में मदद करता है जो कि ट्यूशन फीस का खर्चा नहीं उठा सकते। थैंक यू वेरी मच।